आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो पहाड़ी के रहने वाले हैं। विधानसभा कौन सा आता है? सिहावर। अच्छा, क्या है इसमें, क्या भारतीय जनता पार्टी में क्या दायित्व तो है आपको मिला है? वर्तमान समय में जिला कार्य समिति सदस्य हैं और पूर्व में विधानसभा के प्रदेश प्रतिनिधि सिहावल विधानसभा से हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन यदमंडल सिहावल निवासरत यहाँ जो नेता रहे, यदि शिव बहादुर सिंह जी को टिकट दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी मंडल सिहावल में अच्छी स्थिति में रहेगी, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र में काम किया है। अब काम के आधार पर ही कार्यकर्ता और जनता मत देती है। विश्वामित्र पाठक जी अपने हार के स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को कार्य ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया। मूल रूप से विश्वामित्र जी कांग्रेस से जो है कांग्रेस के रहे, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा से काम किया। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति रही। 242-243 के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने 167 सीटें मध्य प्रदेश में जीती। फिर भी इनके व्यवहार के चलते और कुछ कार्यकर्ताओं से असंतोष होने के कारण इनको हार का सामना करना पड़ा। भाई पूर्व ही स्थिति रही, कोई सुधार नहीं, 5 साल से क्षेत्र में काम नहीं किए। वर्तमान समय में चुनाव आने के पूर्व क्षेत्र में दौड़ा हो रहा है, तो यदि लगातार ये चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में मतदाता और कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क होता तो स्थिति बदलती, लेकिन कुछ स्थिति नहीं थी। विश्वामित्र जी 5 साल से क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और पब्लिक के बीच में निरंतरता नहीं रखे। चुनाव अब नज़दीक है तो इस समय सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन जनता में वो उत्साह नहीं है मतदाता में कि स्थिति को बदल सकें। बोलिए जी, विश्वामित्र को दोबारा टिकट मिलती है 2018 के चुनाव में तो क्या पोजीशन रहेगी विश्वामित्र पाठक की? मंडल सिहावल का कार्यकर्ता और मतदाता स्थानीय व्यक्ति को वोट देना पसंद कर रहा है, और ये स्वाभाविक रूप से है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं। हमारे पड़ोस का मंडल सिहावल का प्रतिद्वंदी प्रत्याशी होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसको ज़्यादा मत मिल जाते हैं। यदि यहाँ से अन्य व्यक्ति को टिकट मिलता है किसी को भी, तो विश्वामित्र को अगर टिकट मिलती है तो क्या पोजीशन रहेगी? पूर्व पोजीशन रहेगी, फिर से वही स्थिति रहेगी, कोई बदलाव की स्थिति दिख नहीं रही मुझे। अच्छा, विश्वामित्र को मतलब देते हैं अगर टिकट 2018 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, तो फिर से पूर्व की स्थिति रहेगी, कोई नया बदलाव संभव नहीं दिख रहा।